नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ यूथ खड़ा है, इनसे जानते हैं उस खबरों की सच्चाई जो आप तक पहुंचाई थी। मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया था बाबा राम रीम जी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए। आज उन न्यूज की, उन खबरों की सच्चाई जानने के लिए हम डायरेक्ट लोगों से जुड़ रहे हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? सोनिया ठाकुर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 11th में पढ़ती हूँ। आप आज आश्रम में क्यों आए हो यहाँ डेरा सच्चा सौदा के? यहाँ पे एक तो है ना, सेवा करनी मिलती है और अच्छा भी लगता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे सेफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। ये इस बारे में ये कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी ये तो है ना गलत फहमी है लोगों को कि ना यहाँ पे गलत होता है। एक बार वे आके देखे तो यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। तो आपका अपने गुरु पे इस समय में कितना विश्वास है? मुझे अपने से ज़्यादा विश्वास है अपने पिताजी पे। आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के बारे में जो कि न्यूज़ चैनलों पे सुन सुन के कहते हैं कि डेरा फॉलोवर्स अंधभक्त हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार तो आके देखे अपने ना जो भैम है उनका मन का, वो तो एक बार देखे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, अच्छा होता है या गलत होता है, वो तो आने से पता चलता है ना डेरे में आएगा ही। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मैं पिताजी से कहती हूँ तो वो मेरे जरूर पूरी होती है, जरूर होती है। वो मैं सेवा भी करती हूँ और मुझे ना पिताजी दर्शन भी देते हैं। कुछ तो हुआ नहीं, बस थोड़ा सा पिताजी होते तो और अच्छा होता है, और संगत भी बहुत ज़्यादा आती। लड़कियाँ कितनी सेफ है इस जगह पे? मेरा कहना है तो पूरी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ही सेफ है, क्योंकि है ना सब आते हैं और सब है ना सेवा करके जाते हैं और फल पाते हैं सब। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि है ना एक बार वे प्लीज़ आके ही तो देखेंगे ना, वे तो खुद पता चल जाता है कि ना जब डेरा में आएंगे तभी तो पता चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि ना एक बार आके देखें बस डेरा में, और पिताजी का है ना वचन भी सुने, बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ।